प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 13 जुलाई को मुंबई के दौरे पर हैं, जहां वे 29,000 करोड़ से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर शिंदे सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी के मुंबई दौरे का शेड्यूल क्या है और इस दौरान वे कौन कौन सी परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी शाम के 5:30 बजे मुंबई के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में पहुंचेंगे। पीएम मोदी का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह इसी प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी का स्वागत कार्यक्रम होगा। फिर 5:33 से लेकर 5:38 तक उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अपना संबोधन रखेंगे। 5:38 से लेकर 5:43 तक मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे अपना स्पीच देंगे। वहीं 5:43 से 5:50 तक पीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे, जिसमें गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना, थाड़े बोरीवली ट्विन ट्यूब टू लेन सुरंग, कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग, वहीं तुर्वे में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शामिल है। वहीं इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर नए प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर प्लेटफॉर्म 10 और 11 का विस्तार करेंगे। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद शाम के 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक पीएम मोदी जनता के बीच अपना संबोधन रखेंगे। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तो हुआ पीएम का शेड्यूल। अब चलिए आपको बताते हैं कि पीएम के द्वारा जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा उसकी लागत क्या रहने वाली है और उसकी खासियत क्या होगी। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना। प्रधानमंत्री 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड यानी GMLR परियोजना पर सुरंग कार्य की आधारशिला रखेंगे। GMLR में गोरेगांव में पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे से मुलुंड के पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे तक सड़क संपर्क की परिकल्पना की गई है। GMLR की कुल लंबाई लगभग 6.65 किलोमीटर है। यह नवी मुंबई में नए प्रस्तावित हवाई अड्डे और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ पश्चिमी उपनगरों के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा। थाड़े बोरीवली ट्विन ट्यूब टू लेन सुरंग। प्रधानमंत्री थाड़े बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला रखेंगे। थाड़े और बोरीवली के बीच यह ट्विन ट्यूब सुरंग जिसकी अनुमानित लागत 16,600 करोड़ होगी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी यह सुरंग। बोरीवली की तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और थाड़े की तरफ थाड़े घोड़बंदर रोड के बीच सीधा संपर्क बनाएगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इससे थाड़े से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग। प्रधानमंत्री नवी मुंबई के तुर्भे में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग की आधारशिला रखेंगे। यह यार्ड लंबी दूरी और उपनगरीय यातायात को अलग करने में मदद करेगा। इस रिमॉडलिंग से यार्ड की क्षमता बढ़ेगी और अधिक ट्रेनें संचालित की जा सकेंगी। शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। नवी मुंबई में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल 32,600 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीमेंट और अन्य वस्तुओं के संचालन के लिए एक अतिरिक्त टर्मिनल के रूप में ये कार्य करेगा। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। पीएम मोदी युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी लॉन्च करेंगे। इस योजना का कुल खर्च 5600 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान हर महीने इसमें भाग लेने वाले युवाओं को 6,000 से 10,000 रुपए तक प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने इस यात्रा के दौरान मुंबई को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दे रहे हैं।